प्रजापति समाज ने मनाया कुलदेवी श्री श्री यादव माता का वार्षिकोत्सव। शहर भर में बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ निकाली शोभा यात्रा। आधुनिक शौचालय के स्टोर रूम में घुसे अज्ञात चोर, पानी मोटर सहित चुराए 15,000 रुपए कीमत का सामान। लोक प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी ने किया 3 स्कूलों का औचक निरीक्षण। सासी बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय में पाई अनियमितताएं। और स्वामी कुमारानंद सर्किल की बेकदरी पर भाकपा कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। नगर परिषद आयुक्त को दिया सुध लेने की मांग को लेकर ज्ञापन। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रजापति समाज की ओर से शुक्रवार को श्री श्री यादव माता की जयंती महोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी तेजा चौक के समीप बिचरली मोहल्ले में स्थित सालों पुराने श्री श्री यादव माता मंदिर के वार्षिकोत्सव पर मंदिर प्रांगण को भव्य रूप से सजाया गया। आयोजन के अवसर पर प्रजापति समाज की कुलदेवी श्री श्री यादव माता का आकर्षक श्रृंगार कर भव्य आरती उतारी गई। उपाध्यक्ष शंकरलाल प्रजापत ने बताया कि माता जी की जयंती के अवसर पर तेजा चौक मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा पाली बाजार, चांगेट, चमन चौराहा, शाहपुरा मोहल्ला, माल्यान चौपट, तेलियान चौपट, मेवाड़ी गेट, सब्जी मंडी मार्ग होते हुए शिववाड़ी में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में श्री श्री यादव माता की झांकियां निकाली गई। इसके अतिरिक्त समाज की महिलाओं की ओर से भजन गाकर रैली निकाली गई। शोभा यात्रा का व्यापारियों संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से जगह जगह स्वागत किया गया। शोभा यात्रा समापन के पश्चात मेवाड़ी गेट बाहर स्थित शिववाड़ी में स्नेह भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया। शोभा यात्रा के दौरान पार्षद राधेश्याम प्रजापत, नौरथ प्रजापत, मोहनलाल प्रजापत, अनिल प्रजापत, गोविंद प्रजापत, गोपाल प्रजापत, राजेंद्र प्रजापत, मुकेश प्रजापत, महेश कुमार प्रजापत, सुमन प्रजापत, दीपक प्रजापत, महेश प्रजापत सहित बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल थे। अज्ञात चोरों ने गुरुवार बीती रात्रि में शहर के अस्पताल रोड स्थित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण भवन के बाहर नगर परिषद प्रशासन की ओर से बनवाए जा रहे आधुनिक शौचालय के स्टोर रूम का ताला तोड़कर रूम में रखी 5 HP की 2 पानी की मोटरें, 1 गेंती, 2 फावड़े तथा 5 लोहे की तगारियां चुरा ली। चोरी की वारदात की जानकारी शुक्रवार सुबह मिली। जानकारी के बाद ठेकेदार राहुल सिंह ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सिटी थाना पुलिस में शिकायत दी है। ठेकेदार राहुल सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम को काम समाप्त होने के बाद उक्त सारी सामग्री को स्टोर रूम में रखने के बाद ताला लगाकर मजदूर चले गए थे। शुक्रवार सुबह जब मजदूर काम पर आए और स्टोर रूम का ताला खोलने का प्रयास किया तो पाया कि स्टोर रूम का कुंदा टूटा हुआ है। भीतर जाने पर सामानों को खोजा गया तो पाया कि स्टोर रूम में रखी 5 HP की 2 पानी की मोटरें, 1 गेती, 2 फावड़े तथा 5 लोहे की तगारियां गायब है। मजदूर द्वारा की गई जानकारी के बाद ठेकेदार मौके पर पहुंचा तथा वस्तु स्थिति की जानकारी लेने के बाद सिटी थाने पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। ठेकेदार ने बताया कि चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 15,000 रुपए है। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जवाजा शशिकांत मिश्रा ने शुक्रवार को शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वे राजकीय प्राथमिक विद्यालय मील क्षेत्र, मील कॉलोनी तथा सासी बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय छावनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बच्चों की उपस्थिति, नामांकन तथा पोषाहार संबंधी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मील क्षेत्र 11 बच्चों का नामांकन था और उपस्थिति भी 100% पाई गई। इसी प्रकार मील कॉलोनी स्थित विद्यालय में 76 बच्चों के नामांकन के विपरीत कुल 61 बच्चे उपस्थित पाए गए। इस पर मिश्रा ने संस्था प्रधानों को बच्चों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। दोनों स्कूलों का निरीक्षण करते हुए मिश्रा जब छावनी स्थित सासी बस्ती से गुजर रहे थे तो पाया कि स्कूल के बच्चे हंगामा करते हुए चिल्ला रहे थे।
इस पर वे स्कूल के भीतर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। उन्होंने बताया कि वहां का नजारा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां पर स्कूल संचालित हो रही है। मौके पर उपस्थित संस्था प्रधान दुर्गा भागचंदानी से बच्चों के नामांकन संबंधी जानकारी मांगी गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय में कुल 22 बच्चों का नामांकन है, जबकि विद्यालय में कुल 7 बच्चे ही पाए गए। मिश्रा ने जब उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया तो पाया कि विगत 3 दिनों से ना तो बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई थी और ना ही पोषाहार संबंधी जानकारी अंकन किया गया था। इस पर मिश्रा ने संस्था प्रधान को फटकार लगाते हुए इसे गंभीर अनियमितता बताई, जिस पर संस्था प्रधान भागचंदानी ने गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं करने के लिए एक पत्र लिखकर मिश्रा को सौंपा। विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया तो मैं नवीन जो मिल क्षेत्र है उसका सुपरविजन करके मैं उधर से गुजर रहा था तो छावनी प्राथमिक विद्यालय है उसमें बच्चे शोर मचा रहे थे, आवाज़ आ रही थी। तो समय करीब 3:30 बजे के करीब मैं तो देखा कि बच्चे शोर मचा रहे हैं तो मेन गेट जो विद्यालय का बंद था वहाँ से मैडम सामने जो है ना मोबाइल देख रही थी। फिर मैंने खुलवाया, खुलवाने के बाद देखा तो वहाँ का नज़ारा ही विद्यालय के जो होना चाहिए उसके अनुकूल नहीं था। बच्चे जो थे वो धमाचौकड़ी मचा रहे थे, 7 बच्चे मात्र मौजूद थे। हमने कहा कि नामांकन कितने का, फिर उपस्थित रजिस्टर देखा तो उपस्थित रजिस्टर में जो है ना उन्होंने बच्चों की उपस्थिति भी नहीं लगाई हुई थी। उसका रजिस्टर देखा तो उसमें भी जो है ना 16 तारीख तक भरा हुआ था, 17, 18 और 19, इन तीनों दिन की वो खाली थी। अब वो अपनी मन मर्जी से पोषाहार भी जो है वो उठाएंगे। उनसे लिखित में स्पष्टीकरण मांगा, लिखित में दिया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। कि प्राथमिक विद्यालय छावनी में जो अध्यापिका थी वहाँ पर प्रधान अध्यापिका श्रीमती दुर्गा भागचंदानी। शहर में विधायक कोष से निर्मित होने वाले गौरव पथ निर्माण में बाधा बने अतिक्रमणों को हटाने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर परिषद प्रशासन की ओर से लगातार कवायद की जा रही है। जब जब भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से नगर परिषद प्रशासन को सूची उपलब्ध करवाई गई है, परिषद प्रशासन ने उन अतिक्रमणों को हटवाकर पथ निर्माण की बाधाओं को दूर किया है। वर्तमान में गौरव पथ का निर्माण अजमेर रोड पुलिया से लेकर BOB बैंक तक किया जा चुका है। आगे के निर्माण के लिए अतिक्रमण के रूप में बाधा बने 5 और अतिक्रमणों का सार्वजनिक निर्माण विभाग ने चिन्हित कर इसकी सूची नगर परिषद प्रशासन को उपलब्ध करवाई है। परिषद की अतिक्रमण शाखा प्रभारी रतन सिंह पंवार ने बताया कि विभाग से प्राप्त सूची तथा आयुक्त के निर्देश पर शुक्रवार को 5 दुकानदारों को एक नोटिस दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि या तो 3 दिन में अपने स्तर पर अतिक्रमण को हटवा लिया जाए या फिर अपनी ओर से अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत करें। बाद मियाद निर्माण को अवैध मानते हुए नगर परिषद की ओर से ध्वस्त कर दिया जाएगा। नगर परिषद प्रशासन की ओर से निजी संपत्ति पर निर्धारित मापदंडों से ज्यादा साइज के साइन बोर्ड लगाने को लेकर चलाए गए अभियान का अब धीरे धीरे असर होने लगा है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से विगत 2-3 दिनों में साइन बोर्ड जब्त करने तथा हटाने की कार्यवाही के बाद बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने निर्धारित शुल्क जमा करवा रहे हैं तथा अपनी मनपसंद साइज को साइन बोर्डों के लिए अनुमति प्राप्त कर रहे हैं। नगर परिषद के राजस्व अधिकारी रामकिशोर ने बताया कि परिषद प्रशासन की ओर से चलाए गए अभियान तथा शहर में करवाई गई मुनादी के बाद व्यापारियों की ओर से साइन बोर्ड लगाने की अनुमति के लिए आवेदन किया गया, जिसे नगर परिषद प्रशासन को 1 लाख रुपए की आय हुई है। राजस्व अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशों पर प्रदेश के सभी निकायों में अपनी निजी संपत्ति पर 7 गुना 2 साइज के साइन बोर्ड के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। इसके लिए परिषद प्रशासन ने एक अभियान चलाकर साइज से बड़े होर्डिंग्स तथा बोर्डों को हटवाया गया तथा व्यापारियों की समझाइश की गई। उन्होंने बताया कि इसके लिए व्यापारियों को 7 दिन की मोहलत दी गई है। अगर 7 दिनों के बाद भी अगर कोई व्यापारी इस तरह का बोर्ड या होर्डिंग्स प्रदर्शित करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित साइज से अधिक साइज के बोर्ड लगाने के लिए 100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से नगर परिषद में राशि जमा करानी होगी। उधर नगर परिषद प्रशासन ने व्यापारियों को समझाने तथा नई गाइडलाइन के लिए शहर में एक टेम्पो के माध्यम से मुनादी शुरू कर दी है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जब हमारे DLB के निर्देश प्राप्त हुए, जो निजी संपत्ति पे बोर्ड लगे हुए हैं उनको हटाने के निर्देश पर अनाधिकृत रूप से लगे हुए हैं उनको, और यहाँ पे हमें जोन वाइज एरिया बांट रखा है
जिनको ठेकेदार ने ये दी है परमिशन दे रखी है उनको एक साल की, जिनका कार्यकाल 1 मार्च 2018 में पूरा हो रहा है। अच्छा उनसे भी समस्या भी थी और ये है कि भाई अनागृत रूप से लगा देते हैं, हमारी इनकम नहीं, हमने ये राजस्व या नगर परिषद कोष में जमा करवाया है और उसमें राज्य सरकार के जो परिपत्र है उसमें 7x2 तक निःशुल्क रहेगा। इसके बाद अगर कोई भी लगाना चाहता है अपनी निजी संपत्ति पे तो वो अपने 100 रुपये वर्ग फीट के हिसाब से या नगर परिषद में जमा करा सकता है, उसके बाद यहाँ से अनुमति प्राप्त करके अपने लगा सकता है वो वित्तीय वर्ष में। और अगर अभी तक तो 1 लाख रुपये की हुई है, अब काफ़ी लोग आ रहे हैं, जैसे हमने ये कार्रवाई की है और सभापति और आयुक्त महोदय के हिसाब से जैसे अभी हुआ है यहाँ, तो उन्होंने निर्देश दिए भाई एक बार इनको मौका दिया जाए, व्यापारियों को मौका दिया जाए, उन्होंने ज्ञापन भी प्रसिद्ध किया है यहाँ, तो उन्होंने बताया कि हम एक बार ये अनाउंसमेंट करवा के और प्रचार प्रसार करवा के, तो हम 2-4 दिन हो गए, 21 तारीख तक अनाउंसमेंट चल रहा है, माइक भी व्यवस्था घूम रही है यहाँ पर, और तो इसमें अगर इनको एक मौका दिया जा रहा है कि भाई अगर आप लेना चाहते अनुमति प्राप्त करें और शुल्क फिर अपना ये काम करें। देश की सभी योजनाओं और बैंक खातों के साथ साथ अन्य हित लाभों के लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में अपनी पहचान बना चुका आधार कार्ड अब देश भर के डाकघरों के माध्यम से बनाए जाने की कवायद शुरू की है। प्रथम चरण में देश के जिला स्तरीय डाकघरों के माध्यम से आधार कार्ड बनाने का कार्य शुरू किया गया है। अब आधार कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला स्तरीय डाकघरों में अपना आधार कार्ड बनवाया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई उक्त कवायद के बाद अब तक आधार कार्ड से वंचित लोगों को राहत मिलेगी। मुख्य डाकघर अधीक्षक ब्यावर मंडल आरएल बालोटिया ने बताया कि योजना के द्वितीय चरण में उपखंड स्तरीय डाकघरों में आधार कार्ड बनाने का काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए 15 डाकघरों को चिन्हित किया गया है। आधार कार्ड बनाने के लिए 3-3 कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया गया है ताकि योजना का द्वितीय चरण शुरू होते ही उक्त कार्य को अंजाम दिया जा सके। जवाजा थाना अंतर्गत नाहरपुरा चौराहे पर गुरुवार देर रात में एक ट्रक तथा बोलेरो कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में कार में सवार सभी 5 लोग घायल हो गए। घटना के बाद सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा निवासी मगनलाल का विगत दिनों रोडवेज की बस से एक्सीडेंट हो गया था। मगनलाल को जयपुर दिखाने के लिए रोड परिवार के लोग बोलेरो कार में सवार होकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जवाजा के नाहरपुरा चौराहे पर ओवरटेक के चक्कर में एक ट्रक की उनकी आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर में जयंती पुत्र होम निवासी बिच्छीवाड़ा निवासी डूंगरपुर, ध्रुव मीणा पुत्र सुंदरलाल मीणा पगारा डूंगरपुर, लोकेश पुत्र मोगजी निवासी छापी बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर, मगन पुत्र बद्दा तथा बद्दा पुत्र मंजी निवासी छापी जिला डूंगरपुर घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि घायलों में लोकेश पुत्र मोगजी तथा बद्दा पुत्र मंजी की हालत ज्यादा खराब होने के कारण अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। वाहनों की फिटनेस को लेकर परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार दूसरे जिलों में वाहनों की फिटनेस नहीं होगी। यदि कोई ऐसा कराता भी है तो उसे पहले पंजीयन प्रमाण पत्र में वाहन का पता बदलवाना होगा और उसके बाद ही फिटनेस के लिए आवेदन करना होगा। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि फिटनेस के कराने के लिए वाहन स्वामी को वाहन जहां पूर्व में पंजीकृत है उस कार्यालय से कर चुकता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। दरअसल विभाग ने फिटनेस के ऐसे प्रकरणों को नियम विरुद्ध माना है जिसमें वाहन पंजीकृत किसी दूसरे कार्यालय में है और फिटनेस किसी अन्य कार्यालय में करवाई गई है। परिवहन आयुक्त की ओर से जारी आदेशों के अनुसार उप परिवहन कार्यालयों में भी फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। इन कार्यालयों में सिर्फ वाहन की यांत्रिकी जांच की जा सकेगी। फिटनेस जारी करने का अधिकार परिवहन कार्यालय उप परिवहन कार्यालय दोनों ही स्थितियों में जिला परिवहन अधिकारी को ही रहेगा। आदेशों के अनुसार प्रदेश में परिवहन कार्यालयों पर संचालित फिटनेस सेंटर्स पर सिर्फ वाहनों की यांत्रिकी जांच ही की जा सकेगी।
सेंटर की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही जिला परिवहन अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। प्रदेश के कई परिवहन कार्यालयों में अब तक यह हो रहा था कि वाहन का पंजीकरण किसी अन्य जिले में है और फिटनेस किसी दूसरे जिले के परिवहन कार्यालय में जारी होती है। इससे वाहन के कर बकाया की जानकारी नहीं मिलती थी और क्षेत्राधिकार नहीं होते हुए वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना नियम विरुद्ध रहता था। विभागीय जानकारी के अनुसार कई दूसरी जगह पर समय पूरा होने के बाद एक माह के लिए अस्थायी फिटनेस कराया जा सकता है, लेकिन उसे स्थायी फिटनेस के लिए जिले के परिवहन विभाग के कार्यालय में ही आना होगा। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। निकटवर्ती ग्राम चांग के देवनगर गांव में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक दवा का उपयोग कर लिया, जिसके चलते वह अचेत हो गया। जानकारी पर पुत्र ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में लाकर भर्ती करवाया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार देवनगर निवासी मानसिंह पुत्र राम सिंह ने शुक्रवार सुबह अपने घर पर ही अज्ञात कारणों के चलते कीटनाशक पी लिया। कीटनाशक के असर से वह अचेत हो गया। किसी ने इसकी जानकारी उसके परिजन हजारी को दी। घर पहुंचे हजारी ने मानसिंह को उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुंचाया। मानसिंह का एकेश में उपचार जारी है। द आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के सदस्य श्रीमती ऋतु अग्रवाल के बेंगलोर आश्रम में 15 दिवसीय प्रशिक्षण उपरांत ब्यावर लौटने पर उनका परिवार के सदस्यों की ओर से शानदार स्वागत किया गया। नव प्रशिक्षित एएलओ शिक्षिका अग्रवाल ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन में रहकर जीवन जीने की कला के बारे में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। सामाजिक, आध्यात्मिक और सृजनात्मक कार्यों को सकारात्मक सोच के साथ आम आवाम तक कैसे पहुंचाई जाए, इसकी तालीम भी दी गई। जैसा कि आजकल ज्यादातर लोग भागती दौड़ती जिंदगी में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपनी खुशियों को कायम रखने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, इसके कारण ज्यादातर लोग स्वयं उपार्जित बीमारियों, तनाव, गुस्से व डिप्रेशन से ग्रसित हैं। स्वागत के दौरान ब्यावर परिवार से जसपाल कौर, खुशाल खत्री, दिशा खत्री, श्रीमती एवं श्री अनिल फतेहपुरिया, अनुभव जैन, किशोर डेटानी, हेमंत कुनंदानी, अंचुल बाफना, इति अग्रवाल, नमिता अग्रवाल, प्रगति गर्ग सहित अन्य सदस्यों ने श्रीमती अग्रवाल का माला पहनाकर सम्मान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह समिति के तत्वावधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थल अजमेरी गेट पर 23 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस राष्ट्रभक्ति पूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह समिति के संयोजक गुलाब चंद शर्मा ने बताया कि आयोजन को लेकर समिति के अध्यक्ष एडवोकेट डीडी राठौड़, सुरेश चौहान, आनंद सोनी, तुलसी रंगवाला, जगदीश शर्मा, कुलदीप बोहरा, राधा वल्लभ माहेश्वरी, महेश शर्मा तथा सुधीर तोमर आदि ने विचार विमर्श कर महान देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को समारोह पूर्वक बनाने के संदर्भ में विभिन्न दायित्व व रूपरेखा पर विचार विमर्श कर अंतिम रूप दिया। जयंती समारोह समिति ने नगर परिषद सभापति अभिता चौहान एवं आयुक्त सुखराम खोखर से आयोजन स्थल अजमेरी गेट पर नेताजी की प्रतिमा की सफाई, धुलाई, रंग रोगन तथा पूर्व संध्या पर विशेष रोशनी आदि की सुव्यवस्था सुनिश्चित करके इस राष्ट्रभक्तिपूर्ण आयोजन में सहयोग की अपील की है। सिटी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चांगसितार रोड स्थित रेलवे पुलिया के पास अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 62 पवे अवैध देशी शराब बरामद की है। पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कर स्वयं के जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। सिटी थाने के एसआई बाबूलाल ने बताया कि उन्हें जरिए मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि चांगसितार रोड स्थित रेलवे पुलिया के पास एक युवक अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर एएसआई बाबूलाल, कांस्टेबल बलवीर तथा हजारी मौके पर पहुंचे तथा रेलवे पुलिया के पास अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री करते हुए चांगसितार रोड निवासी राजमल पुत्र रामनिवास साहू को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया।
जिले भर में बढ़ते स्वाइन फ्लू के पीड़ितों की संख्या को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिले में स्वाइन फ्लू का सर्वे तथा टीकाकरण शुरू करवा दिया है। इसके लिए जिले भर में विभिन्न टीमों का गठन कर उन्हें संबंधित क्षेत्रों में घर घर जाकर सर्वे करने तथा संदिग्ध पाए जाने पर उसे उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही संबंधित क्षेत्र में टीकाकरण के लक्ष्य को भी पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के निर्देश पर ब्यावर स्थित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में कार्यरत 8 ANMO की एक टीम का गठन किया गया है। कार्यक्रम संयोजक गोपाल लाल ने बताया कि गठित टीम को गुरुवार को उक्त सर्वे को लेकर प्रशिक्षण दिया गया तथा सर्वे के दौरान घर घर जाकर एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों का प्रपत्र समझाया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार तथा शुक्रवार को 755 घरों का सर्वे करवाया गया, लेकिन अब तक कोई भी स्वाइन फ्लू संदिग्ध नहीं पाया गया है। सर्वे टीम में शबाना बानो, अमृत कंवर, सविता बाकुलिया, रेशम कंवर, आशा वर्मा, सुनीता चौहान, शीला चौहान तथा बीना कंवर शामिल है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन स्वामी कुमारानंद प्रतिमा सर्किल के फव्वारों को चालू करवाने, हाईमास्ट एवं LED लाइटों को दुरुस्त करवाने तथा सर्किल की साफ सफाई करवाने की मांग की है। परिषद आयुक्त सुखराम खोकर को दिए गए ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि चांगेट भीतर स्थित स्वामी कुमारानंद सर्किल की विगत कई दिनों से शुद्ध नहीं ली जा रही है, जिसके कारण सर्किल पर गंदगी फैल रही है। साथ ही फव्वारे भी बंद पड़े हैं। कार्यकर्ताओं ने फव्वारे की शुद्ध लेने तथा बंद पड़ी हाईमास्ट लाइटों तथा LED का चालू करवाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में साथी हेमचंद आर्य, दयाराम भगत, जगदीश प्रसाद प्रताप, शिव कुमार गौर तथा मदन लाल वर्मा आदि शामिल थे। आज नगर परिषद को आयुक्त महोदय को आज हमने ज्ञापन सौंपा कि महान देशभक्त क्रांतिकारी स्वामी कुमारानंद जी के सर्किल पर एक तो फव्वारे बंद पड़े हैं और साथ में लाइटें लगी हुई नहीं हैं, साफ सफाई की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हम आज ज्ञापन सौंप रहे हैं कि सब जगह जो सर्किल बने हैं, जो स्टेचू है, वहाँ पे सब जगह करीबन फव्वारे चालू हो गए, लाइटें लग गई, पर स्वामी जी के यहाँ पे मतलब लाइटें और साफ सफाई की व्यवस्था और फव्वारे चालू नहीं है। इसलिए हमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से ज्ञापन दिया जा रहा है। सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर में छात्र संघ के तत्वावधान में सांस्कृतिक कार्यक्रम शहनाई 2018 के दूसरे दिन शुक्रवार को नाटक, एकल एवं समूह नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आर्य रितेश पटेल थे, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ RC लोढ़ा ने की। मुख्य वक्ता के रूप में अभाविप के प्रांत अध्यक्ष जिनेश जैन थे। अतिथियों ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. लोढ़ा ने महाविद्यालय के गौरवमय इतिहास पर प्रकाश डाला। संबोधित करते हुए RS एवं इसी महाविद्यालय के पूर्व छात्र रितेश पटेल ने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी माता पिता एवं गुरु का सदा ऋणी रहता है। जिन्होंने इन तीनों का सम्मान किया वह निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। निरंतर प्रयास ही कामयाबी की सीढ़ी है। मुख्य वक्ता जैन ने भी विद्यार्थियों को उच्च चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित किया। इससे पूर्व प्राचार्य डॉ. लोढ़ा, सांस्कृतिक संयोजक दीपाली लाल, छात्र संघ अध्यक्ष आदर्श बाबेल, सांस्कृतिक सचिव आदित्य दादीच, उपाध्यक्ष हेमाराम कुमावत, महासचिव करण चौधरी, संयुक्त सचिव किशोर कुमार, अरुणा गुप्ता, रोमिला बाली, प्रोफेसर जलालुद्दीन ने अतिथियों का अभिनंदन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक डॉ. दीपाली लाल ने बताया कि शहनाई 2018 के दूसरे दिन भी प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने काल्यकूद पड़ो मेला में पिया तेरे नैना लागे रे सहित अनेक राजस्थानी एवं फिल्मों गानों पर नृत्य कर अपनी प्रस्तुति दी। एकल नृत्य में रवि प्रथम, सलोनी आर्य द्वितीय, विचेतना कुमावत तृतीय रही। इसी प्रकार समूह नृत्य में खुशबू एंड पार्टी प्रथम स्थान पर रही। नाटक मंच प्रतियोगिता में विज्ञान संकाय प्रथम, द्वितीय कला संकाय तथा तृतीय वाणिज्य संकाय का ग्रुप रहा। श्यामलाल देवासी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तथा गायत्री सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रोफेसर नलिनी पारिक, दुष्यंत त्रिपाठी तथा सुलक्ष्मी तोषनीवाल ने किया।
झूलेलाल युवा सेवा समिति की ओर से रविवार को मनाए जाने वाले अमर शहीद हेमू कालानी के शहादत दिवस पर शनिवार को विशाल सिंधी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कवि सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मुंबई निवासी कवि लक्ष्मण दुबे शुक्रवार शाम को ब्यावर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय गीतकारों तथा कवियों द्वारा उनका अजमेर रोड स्थित होटल श्री में भावभीना स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित कवियों ने दुबे का माला पहनाकर सम्मान किया। इस मौके पर उपस्थित कविगणों ने काव्य पाठ भी प्रस्तुत किया। काव्य पाठ में गणपत सिंह मुग्देश, गीतकार विजय नारायण शर्मा, हास्य कवि हीरालाल जनागल, पत्रकार रामप्रसाद कुमावत, सुमित्रा गर्ग, श्यामलाल वर्मा, रुक्मणी चौधरी, मोहम्मद बख्श कुरेशी, कमल चचलानी, हरिकिशन तिलोकानी, लक्ष्मण गुंडानी आदि उपस्थित थे। कवियों ने अपने काव्य पाठ से उपस्थित सभी को रोमांचित कर दिया। आंखें बरस बरस कर जाती, आंखें बरस बरस कर जाती, बदली क्यों नहीं बरसी, अंतर मन ही भीग गया है, पगली धरती तरसी, अंतर मन ही भीग गया है, पगली धरती तरसी, धरती को बादल की चाहत, धरती को बादल की चाहत, बदरा भागे जाए, पर मैं कैसे दौड़ लगाऊं, धरा समझ नहीं पाए, पर मैं कैसे दौड़ लगाऊं, जरा समझ नहीं पाए, कैसी बेबस प्रणय प्रेयसी, कैसी बेबस प्रणय प्रेयसी, खुद ही खुद पर हंस दी, अंदर मन ही भीग गया है, पगली धरती तरसी। गाकर के गाना गाना भी बहुत बड़ी कला है, नहीं गा सकते जिसका सुंदर गला है, मेरे लिए गाना बहुत बड़ी बला है, मेरी पास भी मेरा बला है। मानव होना भाग्य की बात है, मानव होना भाग्य की बात है, और कवि होना सौभाग्य की बात है। हर कोई कवि बनना चाहता है, पर बन सकेगा कौन? हर कोई कवि शायर बनना चाहता है, पर बन सकेगा कोई? वही बन सके जिसके ऊपर सरस्वती की कृपा हो। गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तूने भी मीत बनाए होंगे। तो दोस्ती किसी से करो और फिर चोट लेकर के पहुंचो, दोस्ती के करने का ये दर्द, ये एहसास होता रहता है, लेकिन इस दर्द भरे माहौल में बहुत सारी रचनाएं, आओ थोड़ी सी हास्य की बात करें। आज के सुबुलेटिन में फिलहाल इतना ही, अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। प्रजापति समाज ने मनाया कुलदेवी श्री श्री यादव माता का वार्षिकोत्सव, शहर भर में बैंड बाजों की मधुर धुन के साथ निकाली शोभा यात्रा। आधुनिक शौचालय के स्टोर रूम में घुसे अज्ञात चोर, पानी मोटर सहित चुराए 15,000 रुपए कीमत का सामान। ब्लॉक प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी ने किया 3 स्कूलों का औचक निरीक्षण, सासी बस्ती स्थित प्राथमिक विद्यालय में पाई अनियमितताएं। और स्वामी कुमारानंद सर्किल की बेकदरी पर भाकपा कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश, नगर परिषद आयुक्त को दिया सुध लेने की मांग को लेकर ज्ञापन।